सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंतर्गत जो जिस टॉपिक के बारे में पिछले टर्न पे बात कर रहे थे वो था संयोजकता बंध सिद्धांत या की वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। उसके बारे में हमने पिछले बार बात शुरू की थी और जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है वो हाइटलर और लंदन ने सन 1927 में दी और उसके बाद में उसमें पॉलिंग और स्लेटर ने 1933 में कुछ सुधार किया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि जब भी दो परमाणु आपस में निकट आते हैं और उनके बीच में जो है बंध बनता है तो बंध बनते समय जो है उनमें वो इस दिशा में उसके कक्षक एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे जिस दिशा में उनके मध्य जो अतिव्यापन है वो अधिकतम होना चाहिए और जितना अधिक अतिव्यापन होगा उनके बीच में जो है बंध जो है वो उतना ही प्रबल बनेगा। इसी तरह से जब भी बंध बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन है जिनका युग्मन होता है उनके मध्य वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अयुग्मित रूप से होने चाहिए और दोनों का जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए और भाग लेने वाले जो कक्षक हैं वो कक्षक जो है जहाँ तक संभव हो वो हाइब्रिडाइज या जिसको अपन कहते हैं कि उनके मध्य वो जो है संकरित कक्षक जो है वो होने चाहिए। तो इस तरह से कल हमने पिछले टर्न पे हम लोगों ने संयोजकता बंध सिद्धांत के संबंध में कुछ सामान्य बात की थी और उदाहरण लेकर दो हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से हाइड्रोजन के अणु के बनने का उदाहरण जो है वो हमने लिया था और उसके साथ में हम लोगों ने इसको समझना शुरू किया था। आज हम उसके अंदर इसको आगे पढ़ेंगे। देखिए, हाइटलर एवं लंदन ने इसकी तरंग व्याख्या दी और हाइड्रोजन अणु के लिए एक स्थितिज ऊर्जा वक्र जो है वो भी प्राप्त किया था। जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं को परस्पर एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है तब पहले तो दोनों परमाणु पास पास आकर अपना इलेक्ट्रॉन जो है पहले दोनों परमाणुओं के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन रहता है, अतः संरचना वन जो है संरचना एक जो है जो कि निम्न प्रकार की होती है। तो देखिए, ये संरचना है जिसके बारे में हमने पिछले बार भी चर्चा की थी कि इसमें HA और HB जो है दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और 1 और 2 जो है वो इनके साथ में जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस संरचना में जो पहला हाइड्रोजन परमाणु है उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है और दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 जुड़ा हुआ है। तो इस संरचना के लिए तरंग फलन Ψ1 जो है उसको हम निम्न समीकरण द्वारा दे सकते हैं। तो जो है Ψ1 इज इक्वल टू क्या होगा Ψ1 Ψ2, यहाँ पर Ψ जो है वो परमाणु एक के लिए तरंग फलन का मान है, ए हाइड्रोजन एटम के लिए तरंग फलन का मान है और 1 जो है जो डिनोट कर रहा है वो उसके इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बता रहा है और Ψ जो है वो बी हाइड्रोजन एटम के लिए तरंग फलन का मान है, वेव फंक्शन की वैल्यू है और 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी कहते हैं कि अतिव्यापन पश्चात संरचना 2 जो है भी उतनी संरचना 2 की उतनी ही संभावना होती है क्योंकि अतिव्यापन पश्चात इलेक्ट्रॉन को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ये संरचना 1 जो हमने पहले देखी थी, अब संरचना 2 है जिसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के जिन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है यानी HA हाइड्रोजन एटम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है और HB हाइड्रोजन एटम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए इस स्थिति के लिए जो है तरंग फलन का मान जो होगा वो Ψ2 यानी Ψ2 जिसको हमने दिखाया है रोमन के अंदर उससे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस संरचना के लिए तरंग फलन Ψ2 का मान निम्न समीकरण से दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं Ψ2 इज इक्वल टू Ψ2 यानी कि हाइड्रोजन एटम 1 ए के लिए जो तरंग फलन है वो Ψ है और उसमें इलेक्ट्रॉन है 2 और Ψ ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन है 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षक 2 प्रकार से मिश्रित होकर 2 नए कक्षक बना सकते हैं जिनके तरंग फलन निम्न समीकरण द्वारा
दिए जा सकते हैं। तो ये जो दोनों अवस्था हैं, उन दोनों अवस्थाओं को हमने जो है हमने बोला कि उनमें जो जो कॉम्बिनेशंस उसके बनते हैं, तो वो दो तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंतर्गत, साई प्लस और साई माइनस। तो साई प्लस के अंदर क्या है, सी वन इंटू सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू, और दूसरी अवस्था में जब वो मिश्रित होते हैं तो वो उनमें दो प्रकार के इंटरेक्शन हो सकता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए हमने लिखा है साई माइनस वन इज इक्वल टू सी वन साई वन माइनस सी टू साई टू, ये इक्वेशन नंबर थ्री और फोर है। यहाँ पर जो सी वन और सी टू जो हैं वो क्या हैं, वो एक कॉन्स्टेंट हैं, और हाइड्रोजन के लिए इसकी जो वैल्यू है वो होती है सी वन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी टू। तो समीकरण एक व दो में जो हमने पूर्व में लिखी थी इक्वेशन नंबर वन और टू से जो है, यहाँ से साई वन एंड साई टू की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर जो है थ्री और फोर में रखने पर, तो जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन है यानी कि जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, उसके लिए जो वैल्यू आएगी साई प्लस जो आएगी वो आएगी सी वन साई ए वन साई बी टू प्लस सी टू साई ए टू एंड साई बी वन। जैसे हमने पहले बताया था कि एक पहली कंडीशन है जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने जो 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 परमाणु है ए और बी हाइड्रोजन का उसके पास में है, और दूसरी परिस्थिति में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो विपरीत अवस्था में, पहला का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला गया और दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले के पास में आ गया। तो इन दोनों का जब ये इंट्रैक्शन जब पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगा, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगा, तो उसके लिए जो तरंग फलन है उस अवस्था के लिए तरंग फलन को मान को हम साई प्लस से दिखाते हैं, और साई माइनस में है जब दोनों का जो इंट्रैक्शन है वो एंटी बॉन्डिंग है, तो उसके लिए वैल्यू है सी वन साई ए वन साई बी टू माइनस सी टू साई ए टू साई बी वन। ये इक्वेशन नंबर फाइव और सिक्स से इसको हम डिनोट करते हैं। तो समीकरण संख्या पाँच एवं छः में प्रदर्शित तरंग फलन की सहायता से दोनों अवस्थाओं की ऊर्जा निकाली जाए तो ज्ञात होता है कि साई वन आकर्षण को प्रदर्शित करता है और इसका ऊर्जा वक्र निम्नतम स्तर पर पहुंचकर एक सिग्मा बंद का बनना प्रदर्शित करता है। तो इसका जब हम एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी कर्व बनाएंगे, तो ये दोनों अवस्थाओं के लिए जो है हमें साई प्लस और साई माइनस का जो कर्व मिलेगा उसमें जो निम्नतम ऊर्जा स्तर का जो कर्व है वो ये बताता है कि ये सिग्मा बॉन्ड को कॉरस्पॉन्ड करता है, सिग्मा बंद के बनने को इसको के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के विपरीत चक्रण, जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विपरीत चक्रण वाले होते हैं। इसके विपरीत साई माइनस जो है वो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है जो कि उच्चतम ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं, और इसके इसमें बंद बनाने की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्थिति में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाले होते हैं, जिसे निम्न ऊर्जा आरेख द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दो स्थितियाँ देखते हैं, एक है नीचे की स्थिति और एक है ऊपर की स्थिति। समान चक्रण वाले वक्र में हम साई माइनस वन की बात कर रहे हैं और विपरीत चक्रण वाले वक्र में साई प्लस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वक्र जो है वो पहला जो है वो ऊपर वाला वो एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन को प्रदर्शित करता है और नीचे वाला बॉन्डिंग इंट्रैक्शन को प्रदर्शित करता है, और जो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन को प्रदर्शित करता है इसका जो मिनिमा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी होती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो साई वन से निकाली गई हाइड्रोजन अणु की ऊर्जा एवं अंतर्नाभिकीय दूरी का मान क्रमशः 72.4 किलो कैलोरी प्रति मोल तथा 0.8 एंगस्ट्रॉम आता है। तो जैसा भी आपको बताया इस ग्राफ के अंदर, इसके जो साई प्लस वन के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंगली जो ऊर्जा का जो निम्नतम स्तर है
उसके संगत अंतरनाभिकीय दूरी एवं उनकी ऊर्जा को जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका मान आता है 72.4 किलो कैलोरी पर मोल और 0.8 एंगस्ट्रॉन्ग आता है, जबकि इसका प्रायोगिक मान क्रमशः 103.2 किलो कैलोरी प्रति मोल एवं 0.74 एंगस्ट्रॉन्ग है। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने, अब जो यहाँ जो हम देख सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें काफ़ी अंतर है, तो जैसा अपन ने बताया था कि इसको पॉलिंग ने बाद में रिवाइज किया था, पॉलिंग और स्लेटर ने, तो इस प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान के अंतर को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने क्या किया, ने अनुनाद की अवधारणा दी और उसके अनुसार हाइड्रोजन अणु जो है वो निम्न तीन प्रकार की अनुनादी संरचना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के लिए उन्होंने तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि जो दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एच ए के पास में है और एच बी पर प्लस चार्ज है और एच ए पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरी संरचना में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन अणु के वो एच बी के पास में है और एच ए पर प्लस चार्ज है और एच बी पर माइनस चार्ज है। और तीसरी संरचना जो है वो न्यूट्रल संरचना है। तो पहली जो दो संरचना है वो क्या है, वो आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं और थर्ड वाली स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में सबसे पहले उन्होंने स्लेटर ने पॉलिंग ने और स्लेटर ने जो है इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया। इसमें प्रथम दोनों आयनिक रूप हैं जिसकी तरंग फलन का योग आयनिक फलन साई आई निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर है इसका जो सम है समेशन है वो हम साई आई के रूप में उसको हम इस संरचना द्वारा इस समीकरण के द्वारा दिखाते हैं। तो साई आई जो है वो क्या है, साई ए वन और साई ए टू, यानी कि यहाँ पर ए के पास में ही दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए इसको अपन ने इस तरह से दिखाया है, प्लस सेकंड स्ट्रक्चर में साई बी वन एंड साई बी टू, सेकंड स्ट्रक्चर में साई बी के अंदर यानी कि जो बी परमाणु है हाइड्रोजन जो है उसी के पास में ही दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको जो है इक्वेशन नंबर 7 के द्वारा दिखाया गया है। तो जो कुल तरंग फलन है साई टी इज इक्वल टू है साई प्लस 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 लेमडा साई आई। तो साई आई के बारे में हमने पहले ही बात की कि इनके दोनों का जो है ये आयनिक जो है तरंग फलन का जो है वो समीकरण है। तो इस इक्वेशन नंबर 8 में लैम्डा जो है क्या है, एक स्थिरांक है। हाइड्रोजन के लिए इसका मान 0.17 होता है। इस तरंग फलन के लिए हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा का मान जो है 79 किलो कैलोरी प्रति मोल आता है। इसमें यदि हाइड्रोजन अणु के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण एवं अन्य प्रभावों का भी समावेश करें तो अणु की ऊर्जा का मान जो है वो कितना आता है, 102.8 किलो कैलोरी प्रति मोल आता है। एवं अंतरनाभिकीय दूरी यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.74 एंगस्ट्रॉन्ग, जो कि हमने स्टार्टिंग में जो बात की थी इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है। हमने देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के संबंध में बात की थी कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है 103.2 और 0.74 एंगस्ट्रॉन्ग जो है उसके बहुत नज़दीक आती है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि दो परमाणुओं के मध्य जब विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो वे कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और तत्व स्थायी होकर निम्नतम ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। तो ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है इसके बारे में हमने अभी आपके सामने बात की। ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है वो सबसे पहले जो है हाइटलर और लंडन ने दी और उसके बाद में पॉलिंग और स्लेटर ने जैसे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने के पश्चात में और उसके बाद में उन्होंने जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू और बॉन्ड लेंथ की वैल्यू जो कैलकुलेट की वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफ़ी अच्छी तरह वो मैच करती है। अब हम बात करते हैं सहसंयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाओं के संबंध में। तो देखिए ये जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है इसकी कई सारी कमियां भी हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत यद्यपि कई अणुओं की संरचना
एवं गुणों की व्याख्या कर सकता है, फिर भी इसकी कई कमियां एवं सीमाएं हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है, इस सिद्धांत के अनुसार संयोजकता बंध के लिए साझे का युग्म जो है, सहसंयोजक बंध के लिए साझे का युग्म जो है वो दोनों बंधित परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो दोनों तरफ से दोनों एटम्स जो हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस पूरे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अंदर कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के संबंध में कोई बात नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी उपसहसंयोजक बंध के बनने को इस आधार पर नहीं समझा सकते। तो इसलिए लिखा है कि इसमें उपसहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही दाता परमाणु द्वारा दिया जाता है। हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है, वो एक अनइक्वल शेयरिंग होती है जहां पर एक डोनर एटम है और एक एक्सेप्टर एटम है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ये जो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा सकती। ये इसकी सबसे पहली कमी है। दूसरा है कि जो ऑक्सीजन अणु है, वो ऑक्सीजन अणु जो होता है उसकी अगर हम चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो ऑक्सीजन की जो चुंबकीय प्रकृति होती है वो अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बात करें तो इसके अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन अणु जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। लेकिन हम जब इसकी चुंबकीय प्रकृति को देखते हैं तो प्रायोगिक रूप से ये अनुचुंबकीय प्रकृति आती है, जो कि इस बात को बताती है कि अनुचुंबकीय वही पदार्थ हो सकता है जिसमें कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो यानी कि उसके कुछ अंदर कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए जो है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम इसके इस अनुचुंबकीय व्यवहार को नहीं समझा सकते। तो ये दूसरी इसकी कमी है। तीसरा है कि अगर हम H2+ आयन की बात करते हैं, है ना, तो H2+ आयन जो है उसके बनने को हम संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा सकते। लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार के आयनों का अस्तित्व होता है, तो इनके आयनों के अस्तित्व की व्याख्या जो है वो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है वो नहीं कर सकती। इसी प्रकार से इसी बिंदु में कि सहसंयोजक बंध के अंदर हम जानते हैं कि प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, DRR, हम कहते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत आयनिक गुण हैं, तो उसकी व्याख्या भी जो है वो हम इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं कर सकते। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो हम विभिन्न अनुनादी संरचनाएँ जो पाई जाती हैं उसके अस्तित्व की व्याख्या भी जो है वो सहसंयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो नहीं कर सकता। तो इस तरह से वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है उसके आधार पर हम कई गुणों को समझा सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे गुण भी हैं जिनकी व्याख्या जो है इस सिद्धांत के आधार पर नहीं हो सकती। इसीलिए विकास की अगली कड़ी में जो है वो आगे नए सिद्धांत जो है वो सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए जो है वो उत्पन्न हुए, जिसके बारे में वो जो उनकी उनको जो है बताया गया, और उनकी जो बारे में डिटेल में जो है हम आगे वाले हमारे जो लेक्चर्स हैं उन पे बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।